हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपको ऑटोमेटिक थॉट आए या आपके अंदर कोई ऑटोमेटिक फीलिंग्स डेवलप हो या आपका कोई ऑटोमेटिक इम्पल्सिव बिहेवियर आए, कैसे वो अपने पूरे कॉग्निटिव लेवल पर आपको इफेक्ट कर देता है, किस तरीके से सिचुएशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं आपको पूरा डीप कनेक्शन समझाऊंगी, एक केस का एग्जांपल भी दूंगी, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रख सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए समझते हैं, यह है कॉग्निटिव मॉडल। आपने पहले भी मेरी कुछ वीडियोज़ में देखा होगा। बात करते हैं पहले सिचुएशन की। देखिए, हर एक सिचुएशन आप जानते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती, सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर भी होती हैं। और कभी कभी किस सिचुएशन में कुछ कंट्रोल में होता है, तो यानी कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, पार्शियल कंट्रोल में हो सकती है या फिर अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी होती है। सिचुएशन आपकी क्रिएटेड भी हो सकती है, यानी कि सिचुएशन आपकी सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकती है, आपने खुद ही सिचुएशन क्रिएट करी हो, या फिर ये क्रिएटेड बाय अदर्स भी हो सकती है। सिचुएशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होगी। हाँ, अगर सिर्फ आप ही हैं तो फिर आप उस सिचुएशन में अपना बेस्ट टू बेस्ट देकर उसे अपने फेवर में कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम होता है। नेचुरली सिचुएशन में हमारे अलावा और भी बहुत लोग होते हैं। अब सिचुएशन में क्या होता है, वो क्यों हमारे अनुरूप हमेशा नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड अनकंट्रोलेबल की होती है, क्यों? क्योंकि हमारी हर सिचुएशन में पहले से ही कुछ अजम्पशंस होती हैं। अभी अजम्पशंस होती हैं तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन को जन्म देती हैं। समझते हैं जरा आप केस से। एक लड़की जो एमटेक कर चुकी थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, शादी की एज हो गई थी, माँ बाप को ही पूरा का पूरा राइट दे दिया कि आप ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो और जिससे आप कहोगे मैं शादी कर लूँगी। अब उसने ये तो कह दिया, लेकिन इस सिचुएशन में और शादी के इवेंट को लेकर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अगर मैं एमटेक हूँ और लुक वाइज भी मैं अच्छी हूँ तो मेरे फादर मेरे अनुरूप ही कोई लड़का तलाशेंगे, मेरे जितना पढ़ा लिखा, मेरे जोड़ीदार अच्छा जो मेरे साथ लगेगा। तो ये सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उसकी अपनी एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन थी इस उसमें, और उसकी ऐसी अजम्पशन थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए अच्छे से अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे। तो अब उसकी ये अजम्पशन पहले से ही थी कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढते हैं, तो इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन हो गई कि अगर मैं एमटेक हूँ तो कम से कम मेरे जितना पढ़ा लिखा तो ढूंढेंगे ही, मुझसे बेटर ही ढूंढेंगे। अब हुआ ये कि उसके फादर को एक बिजनेसमैन पसंद आया। अब वो बिजनेस तो उसका अच्छा था, लेकिन वो लड़का 12th पास था, बिजनेस ठीक ठाक अच्छा खासा कर रहा था, उनको अपनी कास्ट का लगा और सब कुछ लगा, तो उन्होंने सोचा कि यही मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। अब उस लड़की की जो अजम्पशंस, जो एक्सपेक्टेशन थी कि उसके फादर एटलीस्ट उसके जितना पढ़ा लिखा लड़का लेकर आएंगे जो उसी के अनुरूप देखने में भी होगा, तब मैं शादी कर लूँगी। वहाँ पर क्या हुआ, ये लड़का उस लड़की से लुक्स में थोड़ा सा कम अच्छा लगता था, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा खासा था, ठीक ठाक कमाता था और 12th पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस लड़की की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट आउट नहीं हुई, यानी कि अनएक्सपेक्टेड। अब क्योंकि उसने कंट्रोल अपने माँ बाप को दे रखा था तो वो डायरेक्टली कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लड़का ठीक कमाता था, अच्छा खासा परिवार था उनका, सब कुछ था। अब उसके दिमाग में इस बात की ओवर थिंकिंग डेवलप हो गई कि मैं एमटेक पढ़ी हुई हूँ, ये 12th है। अब आगे कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ तक पढ़े हुए हैं या क्या वो करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, बस ये कि हाँ इनका बिजनेस अच्छा है, ये पढ़े हुए नहीं, आगे हमारे बच्चे होंगे तो ये तो 12th ही पढ़े हुए हैं और बिजनेस में लग गए हैं, तो वैसे भी कुछ पढ़ाई कुछ बहुत ज़्यादा इनको काम नहीं आ रही होगी। तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग डेवलप हो गई, सोच सोच के परेशान हो गई। अब उसके दिमाग में सिचुएशन को लेकर यहाँ पर जो थॉट्स थी वो नेगेटिव चलने लगी। नेगेटिव थॉट
चलने लगी, उसका एक बिलीफ यहाँ पर एक बन गया उन नेगेटिव थॉट्स के चलते चलते, उसके अपने इस खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कि जो पेरेंट्स हैं उन पर अपने पार्टनर की चॉइस नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो कभी आपके सपनों को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर उसका एक नेगेटिव बिलीफ भी पेरेंट्स को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर सेट हो गया। अब लगातार इस तरीके से नेगेटिव सोचते 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 उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होने लगी और यहाँ पर उसे अपने मदर और फादर से नाराज़गी, उनके ऊपर गुस्सा आने लगा और वो बहुत ज़्यादा उनसे अलग, आइसोलेटेड और चुप चुप रहने लग गई। तो ये उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई। अब जब उसके फादर मदर ने लगातार देखा कि ये कुछ गुमसुम सी रहती है, चुप रहती है, हमसे चिड़ी चिड़ी सी रहती है, गुस्से में रहती है, तो उन्होंने बात करने की कोशिश करी। बात करते टाइम भी उसका एकदम से एग्रेसिव बिहेवियर आने लगा, मतलब डायरेक्टली ये कहने की बजाय अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, उसने इस तरीके का थॉट प्रोसेस बना लिया और इस तरह से नेगेटिव इमोशंस को फील करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप देखिए कि किसी भी सिचुएशन में जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो इस तरीके से अगर आपके अंदर ओवरथिंकिंग डेवलप हो जाती है तो आपकी फीलिंग्स भी ख़राब हो जाती हैं और आपका बिहेवियर भी ख़राब हो जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक लड़की का एग्जांपल है जिसको शुरुआत से ही एक गुस्सा करने की आदत पड़ गई थी क्योंकि उसने अपने दादाजी को भी गुस्सा करते हुए देखा, उसने अपने पापा को भी गुस्सा करते हुए देखा, उसने अपने ताऊ जी, चाचा, पूरा जॉइंट फैमिली थी उनका और सारे ही घर के जेंट्स को एंगर इश्यूज थे, जैसे एंगर उनके ब्लड में हो। तो अब बच्चा अगर अपने दादा से लेके ताऊ, चाचा, पापा सबको ही गुस्सा करते हुए देखेगा और अपने जो घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको उस गुस्से से दबते हुए देखेगा तो वो धीरे धीरे वही चीज़ सीख गया तो उसको भी गुस्सा करने की आदत हो गई। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आती, जैसे अगर उसकी मदर यही बोल देती कि बेटा अब बहुत हो गया, अब क्योंकि ट्वेल्थ में कोई बच्चा है तो मम्मी तो कभी कह ही देगी ना कि बेटा अब तुम मोबाइल रख दो, लैपटॉप बंद कर दो, ये नेटफ्लिक्स बंद कर दो और पढ़ लो, तो ऐसे तो बोलेंगी। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी क्या था, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमेशा अनकम्फर्टेबल होती है, तो वहाँ पर उसका डायरेक्ट बिहेवियर आता था और वो क्या था, वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता था, मम्मी के ऊपर ही शाउट कर देना, तुम्हें तो हर समय टोका टाकी की आदत है, तुम्हें तो पापा ही सुधारेंगे, टोका टाकी की आदत है, तुम्हें तो पापा ही सुधारेंगे, ये एकदम से उसका इस तरह से बिहेवियर आता था गुस्से में। अब गुस्से में इस तरीके से उसका बिहेवियर आने के बाद फिर उसका नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती थी, जब देखो इन्हें तो टोका टाकी काम है, इसीलिए तो इनसे कोई खुश नहीं रहता है घर में, पापा को भी हर समय गुस्सा दिलाती रहती हैं, इनको तो यही है और सुनती नहीं है, मेरे रूम में क्यों आती हैं, इस तरीके के जो थॉट पैटर्न्स हैं वो चलने लगे। और फिर ये सब थॉट पैटर्न चल रहा है और एकदम से आप एग्रेसिवली अभी बिहेव करके चलो, डेफिनेटली आपके अंदर इमोशंस भी, वो नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आप चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई तो कुछ होने से रही, उसी में और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस लड़के के केस में क्या था, मैंने आपको बताया कि एकदम से किसी भी सिचुएशन में इम्पल्सिव बिहेवियर आता था इस तरीके का। एक तीसरा एग्जांपल देते हैं। अब ये जो है, ये एक लेडी का केस है, 55 इयर्स के करीब इनकी एज थी। इनके अंदर एक फीलिंग बैठ गई और वो फीलिंग थी इनके अंदर अकेलेपन की फीलिंग, क्योंकि इनके हस्बैंड बाहर रहते थे। अब इनके हस्बैंड बाहर रहते थे, महीने में एक दो दिन के लिए आते थे, अब एक दो दिन के लिए आए हैं तो वो उस एक दो दिन में टाइम इतना डिवाइड हो जाता था कि अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, वाइफ को भी टाइम देना है, बच्चों को भी देना है, आए हैं तो कुछ एक दो लोगों से और भी उनका मिलने का वो रहता था, कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने हैं, तो इस तरीके से उनकी वाइफ को टाइम नहीं मिल पाता था। तो उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो गई अकेलेपन की, कि मेरे को अकेला। तो अब सिचुएशन ये हुई कि उनके हस्बैंड आते थे, अब जब भी उनके हस्बैंड आते थे तभी भी वो अकेला ही पन महसूस करती थी, एक सूनापन, अकेलापन उनके अंदर महसूस होता था। वो अकेलापन, वो सूनापन उनके अंदर महसूस होने की वजह से उनके दिमाग में एक थॉट चलता था कि इनके आने का भी क्या फ़ायदा है, मेरे लिए तो जब भी टाइम नहीं है, तो फ़ोन पे बात कर रहे हो मुझसे, यहाँ पर बात कर रहे हो, एक ही बात है। तो वो हस्बैंड के आने के बाद भी हंसी खुशी बिहेवियर की बजाय बिल्कुल वैसी गुमसुम, उदासी, चुपचाप सी रहती थी, क्योंकि उनके अंदर क्या था, एक फीलिंग बैठ गई थी अकेलेपन की। तो किसी भी सिचुएशन में किसी इंसान के अंदर कुछ फीलिंग ऑटोमेटिकली आ सकती है, किसी के अंदर कोई एकदम ऑटोमेटिक बिहेवियर आ सकता है, किसी के अंदर ऑटोमेटिक थॉट आती है। तो कहीं से भी शुरू हो,
वो बेसिकली साइकिल तो पूरा ही इस तरीके से, ये सर्कल तो पूरा ही होना है। अब किसी के अंदर चाहे इम्पल्सिव फीलिंग बिहेवियर थॉट कहीं से भी शुरू करो, वो आपस में दोनों को अपने से जोड़ ही लेगा। अब क्या करें, अब करिए कि सिचुएशन जो भी है, अब इस सिचुएशन को आप बेसिकली दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। चाहे ये कहीं से भी शुरू हो, बात ये नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, बात ये है कि इसकी चेन को कैसे ब्रेक करें। अब देखिए, सिचुएशन मैंने आपको बताया कि आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड भी होंगी, हमेशा आपके मन मुताबिक नहीं होगा। अब सिचुएशन में जो अजम्पशन होती है, जैसे उस लड़की को थी कि मैं एमटेक हूँ तो मेरे जितना पढ़ा लिखा लड़का तो लाएंगे, उसके लिए था। तो अभी ट्वेल्थ पास लड़का और एमटेक लड़की, है ना, अनएक्सपेक्टेड हो गया अजम्पशन। तो पहले तो ये सिचुएशन में अज्यूम करना बंद करो। सिचुएशन में जब आप अजम्पशन रखते हैं, तब जाकर आपकी वो जो अजम्पशन से एक्सपेक्टेशन आपने डेवलप की भी होती हैं वो पूरी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव, चाहे वो थॉट हो या फीलिंग हो या बिहेवियर हो, तभी होता है। तो यहाँ पर सिचुएशन के लेवल पर आपको जो आपकी अजम्पशंस हैं, सो एक्चुअली अजम्पशंस तो आपकी होनी नहीं चाहिए, नो अजम्पशंस। अजम्पशंस नहीं होंगी तो एक्सपेक्टेशंस ना के बराबर होंगी, यानी कि मिनिमम आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। जब आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मिनिमम के साथ साथ आपकी क्या होंगी, रियलिस्टिक, तो यहाँ पर क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। अब जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट नहीं होंगे, तो जब आप हर्ट नहीं होंगे, नेगेटिव जोन में ऑलरेडी नहीं होंगे, तो बाकी कोई नेगेटिव तार आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। और हमेशा हर सिचुएशन में एक अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखिए। एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। अब कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हर सिचुएशन में इंसान कुछ ना कुछ अज्यूम कर कर एक्सपेक्ट करता है, इसी वजह से उसके अंदर टिपिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कुछ नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। तो आप कैसे, जब भी आपके मन मुताबिक ना हो, तो आप हमेशा इस तरीके से अपने आप को सजेशन देते। जैसे मैं उस लड़की का एग्जांपल लेकर बता देती हूँ जिसके फादर ने ट्वेल्थ पास लड़का, तो इस तरीके से जैसे टिपिकल थिंकिंग क्या डेवलप हो रही थी कि माँ बाप पे नहीं छोड़ना चाहिए फैसला, वो कभी नहीं समझ पाते कि आप क्या चाहते हैं, कि उन्होंने ट्वेल्थ पास लड़का मेरे लिए सिलेक्ट किया, क्या बताऊँगी मैं, मेरा हस्बैंड ट्वेल्थ तक पढ़ा हुआ है, ये टिपिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो रही थी। तो वो कैसे अपने आप को एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर सकती है, सबसे पहले तो अपने नेगेटिव जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें रियलाइज़ कीजिए कि इस तरीके से, जैसे कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे लिए डिप्रेसिंग है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो लड़का चूज़ किया है वो जस्ट ट्वेल्थ पढ़ा हुआ है, बेशक उसका बिजनेस कितना भी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए अपने हस्बैंड की एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। लेकिन मेरे अगर फादर ने उसकी एजुकेशन को कंसीडर ना कर कर अगर उसके बिजनेस, उसकी फैमिली और चीज़ों को कंसीडर किया है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ अच्छा ही सोचा हो, तो या तो मुझे अपने पेरेंट्स की चॉइस के साथ जाना चाहिए जब मैं उन पर भरोसा करती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा ही लड़का तलाश करेंगे, या फिर वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे खुलकर बात कर सकती हूँ, मैं उन्हें बताऊँगी कि मेरे लिए मेरे होने वाले हस्बैंड की एजुकेशन बहुत मैटर करती है और आप मेरे लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि उस सिचुएशन जो कि अनकंफर्टेबल है, जो आपको अननेसेसरी टिपिकल नेगेटिव थिंकिंग में धकेल रही है या आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रही है, वो वहाँ पर चेन ब्रेक होगी और आप जो है ना उस सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जो आप बुरा फील कर रहे हैं उसे भी आपने एक्सपेक्ट किया, और फिर आगे क्या रास्ता निकल सकता है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, मतलब रियलिस्टिक जोन में जाने का, तो वहाँ पर भी आप जो है ना आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए हमारी, ये रेडिकल फॉर्म में होनी चाहिए। रेडिकल का मतलब होता है होल, जिसमें कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं और फिर आगे अब किया जा सकता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पर ये करेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ पर वो जो टिपिकल नेगेटिव थिंकिंग थी वो चेन ब्रेक हो जाएगी और आपका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा। थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो इमोशन अपने आप ठीक हो जाएंगे, फिर बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब उस लड़के का एग्जांपल लेते हैं जिसको एकदम से गुस्सा करने की आदत थी, भड़क जाता था, एकदम से चिल्ला पड़ता था अपनी मम्मी पर, तो वहाँ पर आपका बिहेवियर है,
एक्शन, तो आप अपने उसको एक्नॉलेज कीजिए कि अच्छा जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो एकदम से आप चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या है इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि अपने जो इमोशन आप फील करते हैं, जैसे वो एंग्री हो जाता था क्योंकि उसके दादाजी से लेके सभी लोग घर में गुस्सा करते आए थे, तो उसका इमोशन क्या था, एंगर, तो एंगर में उसका था कि मम्मी पे चिल्लाना, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन क्या है, मम्मी से सॉफ्टली कहना कि मम्मी अभी 5 मिनट बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, मतलब प्यार से बात करना। तो यहाँ पर आप अपने आप को, जैसे यहाँ पे रेडिकल एक्सेप्टेंस के साथ आपने थॉट बदला था, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट एक्शन, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एकदम तो होगा नहीं, लेकिन ऑपोजिट एक्शन टेक्निक आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट एक्शन कि जो भी आपका अभी हर एक इमोशन से एसोसिएटेड एक एक्शन होता है, जैसे गुस्से का ही ले लें, गुस्से में कोई चिल्लाता है, कोई पंच करता है बॉल को, कोई रोता है, कोई बिल्कुल अलग होकर बैठ जाता है ना, सब लोगों का अलग अलग वो होता है, तो बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन की आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जैसे ही आपके एक्शंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स सब बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। उन लेडी का एग्जांपल लेते हैं जिनको अपने हस्बैंड को लेकर जो है ना ये फीलिंग आ गई थी कि अकेलापन है, और आए भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वो हस्बैंड के आने पर भी खुश नहीं हो पा रही थी, तो वो अपनी फीलिंग के लिए बिल्कुल कुछ ऐसी जस्ट ऑपोजिट एक्शन तय कर सकती हैं जिससे कि उनकी फीलिंग चेंज हो जाए। तो उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर था अकेलापन हस्बैंड के आने के बाद भी, तो उससे क्या था, वो अकेला रहती थी, अब हस्बैंड के आने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर उन्हीं के साथ स्पेंड करें, उन्हीं के आसपास रहें, क्योंकि वो पहले तो अलग हो गई थी बिल्कुल, सो अभी वो उनके आसपास ही रहेंगी, तो क्या होगा, वो अकेलेपन की फीलिंग दूर हो जाएगी। तो जैसे ही आप ऑपोजिट एक्शन लेंगे तो उस ऑपोजिट एक्शन से जो फीलिंग आएगी, अगर आप अपने किसी खास के आसपास हो तो आपको अकेलेपन की फीलिंग के बजाय नज़दीकों का एहसास होने लगेगा, तो ऑपोजिट एक्शन लेते ही आपकी फीलिंग भी चेंज होने लग जाएंगी। तो आपको यहाँ पर भी ऑपोजिट एक्शन टेक्निक काम करनी है, यहाँ पर भी ऑपोजिट एक्शन आप टेक्निक काम करेगी, और फिर आप देखेंगे जैसी फीलिंग चेंज हो जाएगी, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन समझ में आ गया होगा। सम अप करती हूँ, किसी भी सिचुएशन में अज्यूम नहीं करना है, अजम्पशन एक्सपेक्टेशन को जन्म देती हैं, और एक्सपेक्टेशन जब हर्ट होता है तो ये पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, तो ऐसा करने से हमें बचना है। तो आज से ही अपने थॉट, अपने इमोशन और अपने बिहेवियर को चेंज करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे एफ़र्ट्स कैसे लगते हैं, और अगर आप भी मेरे मिशन में साथ देना चाहते हैं, सिंपल वीडियो को शेयर करना है किसी ज़रूरतमंद के साथ और आप भी इस नए काम में जुड़ जाएंगे। खास ख्याल रखिएगा।